गाड़ी मत ले भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। देख रहे हैं अभी साबर डियर ज्यादा बोलने लगा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। सो आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ धनगढ़ी से, और इस जगह पे आने का रीजन भी है गाइज, जैसा कि कुछ दिनों से इस जगह पे हाथियों का झुंड देखा जा रहा था, बट अभी तो इस जगह से हाथियों का झुंड देखने को नहीं मिल रहा है, बट जो हाथियों ने आतंक मचाया है ना गाइज, वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे और आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जो कि अभी हाथी ने आतंक मचाया है इस जगह पे। किस तरह की जो तार बाड़ की गई थी फॉरेस्ट विभाग द्वारा वो तोड़ी गई है, कुछ साइन बोर्ड लगे हुए थे वो भी तोड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ अभी धनगढ़ी से जो नज़ारा है कुछ इस तरह का है। देखिए इस जगह पर अभी हम लोग हैं और मेरे साथ में हैं संदीप भाई, ठीक है। तो चलो गाइस करते हैं कंटेंट को शुरू और दिखाते हैं आपको जो हाथियों का आतंक है उसे, तो बने रहें आप ब्लॉग में गाइस। गाइस ये देखिए क्या प्यारा सा एकदम नज़ारा है इस जगह पर। यहाँ पे जो फैमिली है मॉन्की की ना, वो देखने को मिल रही है, और इनके साथ में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ इस तरह की शरारत अभी कर रहे हैं ये बंदर के जो बच्चे, तो देखिए अभी कितने छोटे से बच्चे हैं, आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। और अभी ये लोग कर रहे हैं पूरी तरह से मस्ती, देख रहे हैं क्या सुंदर सा नज़ारा है गाइस, देख के मन खुशी हो गया। अभी ये थोड़ा ऊपर आते ना दिखाते हैं आपको, देखिए कितने छोटे छोटे हैं, और ये अभी जो कड़ी पत्ते का पेड़ है ना इस पे चढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको अभी ये मोमेंट, जरूर आप कमेंट में मेंशन करिएगा, क्योंकि मुझे तो बेहद ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सामने ये देखिए महाराज जी अपने मस्त हैं मस्ती में इधर, और इधर ये देखिए क्या क्यूट सा बेबी है। ओ देखिए पत्थर पे चढ़ रहा था ऊपर अपनी मदर के पास, चढ़ ही नहीं पाया, गिर गया नीचे। काफी बच्चे हैं इनके पास में, नहीं भी तो यहाँ पे चार या पांच बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दो सामने इस जगह पर हैं, देख रहे हैं। क्या मस्त है यार, मजा ही आ गया। उधर मतलब इस जगह पे ना बच्चे ही बच्चे हैं काफी ज्यादा, ये देखिए यहाँ पर भी बैठा हुआ है, इधर भी है, और जो अभी प्यारा नज़ारा है इस जगह पे, ये देखिए किस तरह की मस्ती कर रहे हैं अभी ये। तो गाइज अभी सफर तो हो चुका है शुरू, और हम जा रहे हैं अभी जीरो पॉइंट की तरफ, और कुछ इस तरह का नज़ारा अभी शाम के समय ही है, तो आप चेक कर सकते हैं।
अभी इस जगह से जो बर्ड्स हैं गाइस, बर्ड्स की साउंड सुनने को मिल रही है। बाकी आप चेक करें, काफ़ी क्लियरिटी के साथ में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाकी अभी वाइल्ड लाइफ तो सामने नहीं देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आगे हमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाए। तो इस जगह पर ये देखिए टर्माइट हाउस है, और टर्माइट हाउस के पास में ये बैठे हैं बंदर, जो कि काफ़ी सुंदर एकदम दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी बंदर है गाइस, थोड़ी ये ना अभी गर्मी से हो रहे हैं परेशान, जिस वजह से अभी बंदर आ चुके हैं सड़क के पास में। क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ियां चल रही है ना, थोड़ा बहुत जब गाड़ी इस जगह से पास करती है तो थोड़ी हवा आ जाती है, जिससे थोड़ी इन्हें ना गर्मी से मिलती है राहत। और कुछ इस तरह का ये रास्ता है, जो कि है टाइगर का क्रॉसिंग पाथ। तो इस जगह से अक्सर टाइगर निकल कर आता है, और इसी रास्ते को अक्सर वो अपने आने जाने में यूज़ में लेता है। तो ये रास्तों से उसे आसानी होती है कि वो रिवर तक चला जाए। तो अभी ना गाइस, मैंने तो अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो रखी काफ़ी ज़्यादा स्लो, क्योंकि थोड़ी जंगल की जो हलचल है वो देखने को मिल जाएगी इस हल्की सी स्पीड में। और अभी मुझे ना गाइस सामने की तरफ देखने को मिला है जैकॉल। सामने इस जगह पर है गोल्डन जैकॉल, और वो चला गया है फॉरेस्ट की तरफ। तो सामने अभी ना इस जगह पर था, अभी ये तो चला गया फॉरेस्ट की तरफ, और हम चलते हैं आगे की तरफ। बाकी अभी ना गाइस जो गोल्डन जैकॉल देखने को मिला, और जगह देखिए कुछ इस तरह की है। तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि ये जो पाथ है, ये रास्ता जो है बरसाती नाले वाला, तो इन्हीं पाथ से आगे रिवर साइड में टाइगर अपनी क्रॉसिंग करता है। और हो सकता है कि जैकॉल जो है अभी टाइगर के आसपास ही हो, क्योंकि जहाँ पर जैकॉल होता है ना, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि उस जगह में कहीं ना कहीं टाइगर भी हो सकता है। क्योंकि जैकॉल खुद से तो इतना वाइल्ड लाइफ का शिकार नहीं करता है, जितना कि वो टाइगर के किए हुए शिकार पर रहता है निर्भर। तो इसीलिए जैकॉल टाइगर को फॉलो करता है, और अभी हो सकता है कि टाइगर कहीं आसपास में हो। बाकी ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हुई थी बारिश, तो कुछ इस तरह का अभी ये बरसाती नाला, और नाले में हल्की सी नमी आपको ज़रूर देखने को मिल रही है। सामने अभी हम लोग हैं 0 पॉइंट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं अभी 0 पॉइंट की तरफ। तो अभी हम लोग यहीं तक जा रहे हैं, फिर यहीं से होंगे रिटर्न। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना, टाइगर तो हो सकता है पीछे की तरफ, बट जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली हैं कि जो एलिफेंट ने अभी आतंक मचाया है ना, तो वो आपको आगे दिखाई जाएंगी जब यहाँ से रिटर्न होंगे हम अपने घर की तरफ। तो उस जगह से चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी गाइस। गाइस अभी 0 पॉइंट पे अभी हम लोग हैं, और आपको दिखाता हूँ अभी 0 पॉइंट का जो नज़ारा है उसे। और भाई, तो गाइस, तो हाँ भाई जी, तो गाइस ये देखिए बरसाती नाले की वजह से, तो ये देखिए सामने पानी रुका हुआ है। और इस जगह पर ये देखिए अभी बरसात के पानी से कुछ इस तरह की नमी देखने को मिल रही है गाइस, देख रहे हैं। अभी जितनी भी इस जगह पे घास थी ना, वो अभी इस नमी की वजह से इस जगह पे अच्छी खासी घास हो जाएगी, और फिर इस जगह पे जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि चारा लेने के लिए वाइल्ड लाइफ इस जगह तक आएगा, और पानी तो इस जगह पर है ही। तो यहाँ पे चारा प्लस पानी की जो उनकी नीड है गाइस, वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है, थोड़ी देर बनते हैं इस जगह पर और देखते हैं कि हमें इस जगह से अभी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है या नहीं। बाकी फॉरेस्ट की तरफ का ये नज़ारा,
तो गाइस सामने की तरफ अभी ना देखने को मिल रहे हैं हमें सांवर डियर, और सांवर डियर हैं सामने इस पानी में। तो अभी तीन सांवर डियर हैं, शायद ही आपको जूम करने में देखने को मिल जाए। सो ये देखिए अभी जीरो पॉइंट से सांवर डियर इस पानी में है। तो अभी तो चीज़ें जीरो पॉइंट से यही देखने को मिली हैं, बाकी अगर और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं सो वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश होगी। बाकी तो आगे की तरफ जैसे कि सुनने को मिला है कि आगे एक एलिफेंट भी है, तो देखते हैं अभी वापस चलेंगे, अगर वो देखने को मिल जाए तो उसे कवर करते हैं, नहीं तो जो चीज़ें हाथी के आतंक की हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। सुअर, जंगली सुअर, अरे सुनो, अरे वो देखो जंगली सुअर यार, बातें बाद में करना, अगर जंगली सुअर देखना है तो वाइल्ड बोर, वो देखिए सामने जा रहे जंगली सुअर, देख रहे हैं गाइस, ये देखिए इतनी देर से इस जगह पे खड़े हैं, बट किसी को पता नहीं चला कि सामने से जंगली सुअर भी आया, बट अकेला ही था और सामने इस तरफ फॉरेस्ट से निकल कर आया, और अभी फाइनली ये चला जाएगा नीचे ग्रासलैंड की तरफ, जीरो पॉइंट से जो ग्रासलैंड देखने को मिलता है इसमें। तो गाइस यही चीज़ें हैं, बाकी सामने से पिकॉक की भी आवाज़ आ रही है, बट काफ़ी ज़्यादा दूर है, पिकॉक है सामने आगे की तरफ। तो अभी ये देखिए सामने की तरफ से जंगली सुअर चला गया आगे, और हो सकता है अभी नीचे हमें देखने को मिले, बट क्या है कि थोड़ी फ़ोन का इतना क्लियर जूम तो नहीं है, तो शायद ही कवर हो पाए, बट अभी भाई लोग काफ़ी लोग देख रहे हैं इस जगह से, तो ये चीज़ें तो हैं इस जगह पर। ये देखिए गाइस अभी वाइल्ड बोर सामने नीचे की तरफ चला गया है, देख रहे हैं, ये देखिए सामने इस पानी की तरफ जा रहा है, अब वो पानी और उसका जो कलर है मिट्टी का ना सेम सेम सा है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, जब इस जगह से किसी तरह की कोई हलचल करेगा जब ही देखने को मिलेगा। फाइनली अभी जंगली जो सुअर है गाइस वो आ चुका है नीचे, और सामने ये देखिए इस जगह पे भागने लगा है, ये देखिए ये जा रहा है भाग के आगे, देख रहे हैं अकेला है और लगा पड़ा है भागने में। देख रहे हैं फाइनली इस जगह पे पहुंच गया ये। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से भी वापस काफी। तो गाइस अभी ना थोड़ी जीरो पॉइंट पे काफी सारे लोग मिल गए थे और जानना चाह रहे थे थोड़ी इस जगह के बारे में, तो काफ़ी देर तक उन लोगों के साथ में डिस्कस हो रही थी चीज़ें, और उन्हें थोड़ी इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जितनी भी हो सकी हमसे। तो अभी फाइनली आप चेक कर सकते हैं गाड़ी की लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं, थोड़ी अंधेरा भी हो चुका है, और हो सकता है आगे वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिले, बट जो चीज़ें मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि आगे जो एलिफेंट ने आतंक मचाया है ना गाइज, शायद उस जगह तक मैं अंधेरा होने से पहले पहले पहुंच गया ना, तो आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी अभी शाम का ये नज़ारा आप देख ही पा रहे हैं, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ धनगढ़ी नाले के। तो गाइस अभी इस जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर भी नज़र आ रहे हैं, और क्रेन लगी हुई है, पिलर का काम चल रहा है, काफ़ी समय से इस जगह पे धनगढ़ी का ये जो पुल है गाइस वो बनने वाला था, बट अभी तक बना नहीं है। अभी आप चेक कर सकते हैं सामने, ये देखिए कुछ वर्कर्स हैं इस जगह पर जो कि अभी फ्लाईओवर का जो निर्माण का काम चल रहा है उसे कर रहे हैं, और हम तो आगे कंटिन्यू चल ही रहे गाइस। तो
थोड़ी गाइस इस जगह से ना आपको जरूर वीडियो में जर्क नजर आएगा, है क्या कि अभी आप चेक कर सकते हैं सड़क में थोड़ा बहुत खड्डे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी ना एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करता हूँ तो इतना हाई प्रोफाइल फ़ोन भी नहीं है, थोड़ा बहुत जर्क जरूर आएगा तो उस चीज़ को आप थोड़ी एडजस्ट करिएगा। बाकी थोड़ी विजन तो आपको जरूर अभी दिख ही रहा होगा किस तरह का है। सामने ये जगह है गाइस जहाँ पे कुछ टाइम पहले एलिफेंट का झुंड देखा गया था, और आपको अगर एलिफेंट्स के नंबर्स की मैं बात करूँ तो नहीं भी तो गाइस 25 के अप्रॉक्स ही इस जगह पे एलिफेंट होंगे उस समय में, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा ही चुका हूँ। तो ये जगह है रास लाइन की सामने हंगड़ी के नाले के आगे, और चलते हैं आगे। ये देखिए ये हैं अपने भाई साहब लगे हुए हैं, ये दोस्तों धनगड़ी। और इस चौकियां ऐसी होती है, अभी हम लोग एकदम जाने वाले हैं ऐसी जगह पे जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो जगह है गाइस अभी इस जगह से काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की जो साइटिंग होती है ना वो होती है, और क्योंकि एकमात्र ये जगह है जहाँ से अक्सर वाइल्ड लाइफ क्रॉस करता है इस हाईवे को। ये हाईवे है नेशनल हाईवे, और इस जगह से कुछ ही दूरी पर अभी एक जगह पर आपको मैं दिखाऊँगा जो कि एलिफेंट का एकदम काफ़ी ऐसा पाथ है गाइस जहाँ से अक्सर एलिफेंट मूव करते हुए देखे जाते हैं। और अभी तो कुछ टाइम पहले एलिफेंट इस जगह पे आए हुए थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं साइड में ये पिलर्स लगे हुए हैं जो तार बाड़ की हुई थी, क्योंकि इस तार बाड़ के अंदर ना इस जगह पर किया है थोड़ी प्लांटेशन। इससे पहले इस जगह पर जो सावन का प्लांटेशन था गाइस वो था, और बाकी जो लालटेना की झाड़ियाँ थी ना गाइस वो थी, और जिस वजह से कोई और पौधे इस जगह पे नहीं हो पा रहे थे, और जो वाइल्ड लाइफ को कह सकते हैं आप ग्रास चाहिए थी ना घास वो इस जगह से नहीं मिल पा रही थी। सो अभी उस प्लांट को पूरी तरह से इस जगह से हटा दिया गया और नया प्लांटेशन सामने की तरफ किया है, तो अभी तो इस जगह पे इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ आगे ज़रूर जब बरसात का समय होगा गाइस तो ज़रूर हमें इस जगह से ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी और वाइल्ड लाइफ तो भरपूर देखने को मिलेगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ गाइस मैं इस जगह पे जो एलिफेंट ने नुकसान किया है ना उसे, क्योंकि इस साइड में ना अभी एलिफेंट ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, और यहाँ पे आगे की तरफ एक साइन बोर्ड है जो कि मैं जब जा रहा था ना उस टाइम पर मैंने देखा था गाइस। ये देखिए इस जगह पर ये साइन बोर्ड है और इसे एलिफेंट द्वारा तोड़ा गया है, और इस जगह पे एलिफेंट के जो पग मार्क है ना गाइस सामने इस पानी में, यहाँ पे सामने की तरफ जहाँ पे कि मैं आपको अपनी फिंगर दिखा रहा हूँ इस जगह की तरफ पानी है, और इस जगह पे एलिफेंट के पग मार्क भी देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं आपको उतर के दिखा दे रहा हूँ, अभी अंधेरा हुआ नहीं है तो आपको दिखाता हूँ एक बार। नहीं दिख रहा। देखो गाइस जो पहला पग मार्क है ना वो आपको दिखाता हूँ सामने इस जगह पर, ये देखिए ये पग मार्क है इस रोड़ी में दिखाई दे रहा है एलिफेंट का, एक पग मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी इस तरफ पग मार्क ही पग मार्क है,
इधर की तरफ ये देखिए, कुछ इस तरह के पैरों के निशान हैं इस जगह पर, देख रहे हैं जगह जगह पे पैरों के निशान हैं और यहाँ पे पानी है। तो ये साइन बोर्ड एलिफेंट ने तोड़कर इस जगह पे गिराया है। और आगे की तरफ भी जो ये पिलर वाली बाड़ है ना गाइस, ये टूटी हुई नज़र आएगी, तो वो भी आपको दिखाता हूँ आगे चलते हुए। तो चलो चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह की ये पिलर जिनकी मैं बात में कर रहा हूँ आपको, इस तरह के ना पिलरों को आगे की तरफ एलिफेंट ने काफ़ी ज़्यादा गिराया है। बाकी इस साइड से तो अभी देखने को नहीं मिल रहे, आगे की तरफ कुछ ही दूरी पर आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए सामने अभी जहाँ पे ना बाइक की लाइट आपको दिखा रही है, इस जगह से एलिफेंट ने क्रॉस किया है। और ये देखिए कितने सारे पिलर्स गिराए हुए हैं, देख रहे हैं ये सारे के सारे जो पिलर्स गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये एलिफेंट द्वारा गिराए गए हैं। तो कुछ इस तरह का आतंक अभी एलिफेंट के झुंड द्वारा इस जगह पे देखा जा रहा है। बाकी आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, अगर आप कभी भी इस जगह पे इवनिंग समय में आ रहे हैं, इवनिंग समय में आ रहे हैं, तो आप ना अगर एलिफेंट के झुंड से मिलते हैं या आपको देखने को मिलता है एलिफेंट का झुंड, तो गाइज आप क्लियरली एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक अच्छा खासा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है एलिफेंट से, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और एलिफेंट क्योंकि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान एलिफेंट पहुँचाएँ। तो आगे की तरफ भी ना काफ़ी सारे पिलर गिरे हुए हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये पिलर्स भी इस जगह से एलिफेंट ने गिराए हुए हैं, जगह जगह से, मतलब इस जगह पे इतने सारे एलिफेंट देखने को मिल रहे थे ना कि काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट थे गाइस। बाकी अभी समय ना गाइस काफ़ी ज़्यादा हो गया, आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक इस बीच में एलिफेंट की जो चीज़ें थी वो तो आपको अपडेट दी, बट एक होप थी कि हाँ हमें अभी इस जगह से वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगी। सो समय अधिक होने की वजह से ना वाइल्ड लाइफ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना भी वाइल्ड लाइफ है आई थिंक कि वो क्रॉस कर चुका है रिवर साइड में, जब ही जाकर अभी इस जगह से वाइल्ड लाइफ नहीं देखने को मिला है। देखिए गाइस टाइगर आ चुका है अभी, और स्पॉटेड डियर कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं। कुछ देर पहले अभी इस जगह से सावर डियर की भी कॉल हो रही थी, और साथ ही अभी स्पॉटेड डियर तो नहीं भी अपने 5-6 मिनट से कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये कॉल अभी बंद हो जाएगी, बट नहीं, कॉल बंद होने का नाम नहीं ले रही है। देखने कंटिन्यूसली कॉल हो रही है,
गाइस ये अपडेट है अभी समय के अकॉर्डिंग आपको मैं कहूँ तो अभी समय बज रहा है 1:01 इस तरह की कॉल हो रही है गांव में और अभी तो 100% है कि टाइगर इनके पीछे जरूर है। क्योंकि आज की डेट में इस जगह पर टाइगर और लेपर्ड दोनों के संकेत मिल रहे हैं जब भी जाकर कॉल हो रही है। देखिए अभी सावर डियर भी बोला ये देखिए सावर डियर देखते हैं थोड़ी इस साइड जाकर इस साइड से अगर कुछ देखने को मिलता है तो ये देखिए कंटिन्यूअसली कॉल हो ही रही है सावर डियर भी बोल रहा है। ये देखिए गाइस ये देखिए सावर डियर और स्पॉटेड डियर दोनों की कॉल हो रही है। देख रहे हैं अभी सावर डियर ज्यादा बोलने लगा है तो गाइस इस तरह की कॉल तो अभी पूरी रात होते रहेगी आगे भी और श्योर हूँ कि हाँ जरूर इस जगह पर टाइगर तो है ही है क्योंकि इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ इस जगह पे जो टाइगर की मूवमेंट थी वो किस तरह की थी। सेम एक ही रास्ते से टाइगर और लेपर्ड दोनों के पगमार्क मतलब एक ही जगह से देखने को मिल रहे थे और लोगों का कहना था कि उन लोगों ने पनौत के बड़े नाले की तरफ टाइगर देखा भी है बट अभी ना आज दूसरा दिन है आज दूसरे दिन इस जगह पर कॉल हो रही है जिसमें कि सावर डियर और स्पॉटेड दोनों अभी कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं गाइस। ये देखिए सावर डियर भी चिल्ला रहा है और स्पॉटेड डियर भी मजे की बात एक चीज़ और बताऊंगा इस आपको। देखिए अभी जो कॉल हो रही थी ना इस बीच में आपने नोटिस किया होगा कि एक भी डॉग्स नहीं भौंक रहे तो अभी ना ये जानवर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और नहीं भी तो ये गांव में अंदर की तरफ है तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी जो पालतू कुत्ते हैं ना उन्हें भी घबराहट हो ही जाती है कि इतने क्लोज हैं और सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति डॉग्स की होती ही है बट थोड़ी लेपर्ड के मामले में गाइस हो क्या रहा है कि अभी ना 1:30 बजने को है और नींद भी आ रही है इसीलिए थोड़ी जवाई भी आ गई बट कंटिन्यूसली ये देखिए कॉल सावर डियर चिल्ला रहा है स्पॉटेड डियर शांत हो चुके हैं
तो गाइज अभी फाइनली जो कॉल थी वो होना हो चुकी है बंद। काफ़ी देर से आप सुन ही रहे थे देखिए कॉल। तो ये चीज़ें हैं अभी इस जगह से, यही है रात का समय, तो क्या ही कहें, ये चीज़ें हैं। फैक्ट है इस जगह का कि हर दिन इस जगह पे आए दिन कॉल होती ही होती है, क्योंकि काफ़ी क्लोज है और फॉरेस्ट से लगा हुआ गांव है, तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटी इस जगह पे होना एकदम आम बात है और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो गाइस करते हैं इस कंटेंट को अभी यहीं पे समाप्त और मिलते हैं गाइस आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको जो भी चीज़ें अभी रात के समय में सुना पाया वो सुनकर ज़रूर यह एहसास हो गया होगा कि हाँ इस जगह पर टाइगर है और चीज़ें जिस तरह से चिल्ला रही हैं तो एक तरह की मतलब शॉकिंग की चीज़ें तो हैं, बट अभी फिर से कॉल स्टार्ट हो गई है गाइस, मगर क्या ही कहें इस तरह की कॉल होती रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।